जिला हमीरपुर में नगर परिषद की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। नगर परिषद की मासिक बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी ने की। इस अवसर पर बैठक में कार्यकारी अधिकारी के एल ठाकुर के अलावा उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज भी मौजूद रहे। नगर परिषद की मासिक बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मासिक बैठक के दौरान कार्यकारी अधिकारी के एल ठाकुर के अचानक उठकर चले जाने से सभी पार्षदों ने कड़ा एतराज जताया और इस कारण शहर की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो सकी। नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने बताया कि आज नगर परिषद की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वृद्धा पेंशन, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि गांधी गेट के पास फॉरेस्ट विभाग का भवन जर्जर हो चुका है, उसे नगर परिषद को सौंप दिया जाएगा और साथ ही कहा कि नगर परिषद को नगर निगम बनाया जाए ताकि सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मैंने 1100 में 6 दिसंबर को एक कंप्लेन की थी कि मेरा एक रोड है जिसमें लगभग नगर परिषद ने 25 लाख रुपए खर्च कर लगभग 15 वर्ष पहले वो रास्ते को बनाया था। वो रास्ता बुरी तरह टूट चुका है, जो कि उसके लिए मैंने कई बार कमेटी को भी बोला इसको अगर रिपेयर कर दिया जाए तो ये रोड हमारा रुक जाएगा और पैसे खर्च ज़्यादा खर्चे से बच जाएंगे। फिर मैंने हार के 1100 में कंप्लेन की, वहाँ से जवाब आया कि आपका रोड ठीक कर दिया गया है लेकिन अभी तक उसमें एक इंच भी कार्य नहीं हुआ है, तो उसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी उसे आज मीटिंग में मांगी है, देखते हैं उसमें क्या जवाब आता है, फिर दोबारा करेंगे। ईओ का कहना था कि ये जो है हाउस का मसला नहीं है। हाँ, हाउस का क्यों नहीं मसला, हर मसला जो इस म्यूनिसिपल कमेटी का है वो हाउस का मसला है। ये नहीं है कि जो भी मसला है वो हाउस का मसला है, कमेटी में जो हमने उठाया है ये हाउस का मसला ही है। नहीं, ये वाजिब है क्या इस तरह का जवाब देना अधिकारी का? अब इस अधिकारी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो उसकी सोच और समझ है कि क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है। इसके अलावा देखा गया सर बड़ी बड़ी जल्दी लगी हुई थी अधिकारियों को। हाँ, अधिकारी मेंबर बैठे रहे और बोला डी साहब ने बुलाया, खोखे खाली करने हैं मैंने और मैं जा रहा हूँ, और मेंबर को बैठे रहने दिया और अपने आप वहाँ से चले गए। नगर परिषद की आज की मासिक मीटिंग में 6 लोगों का वृद्धा पेंशन जो है वो उसकी शिफारिश की गई, उनको लगनी चाहिए। लाइट व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई, बहुत समय से हमारे पास लाइट वगैरह नहीं है। गांधी गेट के पास फॉरेस्ट वालों की जमीन है, जो भवन है वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह है वो जर्जर हो चुकी है, उनकी किसी काम की नहीं है। नगर परिषद अप्लाई करेगी कि वो जमीन जो है वो हमारे नाम जो है वो कर दी जाए। एक गांधी गेट के आगे जो डोंग कॉली है उसमें भी फॉरेस्ट वालों के एक छोटा सा बहुत समय से कमरा सा बना हुआ है, फॉरेस्ट की जमीन पे है वो नगर परिषद का, वो भी जर्जर स्थिति में है। वो भी अगर हमें फॉरेस्ट वाले जमीन हमारे नाम करते हैं तो उसको भी हम ठीक तरीके से बनाएंगे। सर जो नगर परिषद अधिकारी जो है वो कुछ जल्दी में है क्योंकि उनका कहना है कि 12 बजे डी साहब के साथ मीटिंग है, साथ उनकी 12 बजे में मीटिंग है, लेकिन हमारा तकरीबन वो जो काम था वो भी समाप्त हो गया था। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।